नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बोला, हम थंब रूल का सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड हाई राइज बिल्डिंग के लिए क्या क्या थंब रूल्स यूज करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक थंब रूल फॉर कॉन्क्रीट और थंब रूल फॉर स्टील। चलिए शुरू करते हैं। थंब रूल्स फॉर RCC कॉन्क्रीट एंड स्टील। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि कंस्ट्रक्शन में थंब रूल्स कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी सबसे पहले थंब रूल फॉर कंक्रीट। किसी भी प्रोजेक्ट का कंक्रीट अगर हम लोगों को क्वांटिटी निकालना है, वॉल्यूम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, हम अपने पास ड्राइंग अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एरिया अवेलेबल है, तो अगर एरिया के हिसाब से अगर कॉन्क्रीट हम लोगों को निकालना है तो उसका थंब रूल है वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.038 m³ पर स्क्वायर फीट एरिया। मतलब जितना एरिया है उसका 0.038 के हिसाब से हम टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर अपना प्लान एरिया है 100 × 50 इज इक्वल टू 5000 स्क्वायर फीट, तो उस हिसाब से अपना कंक्रीट का क्वांटिटी आएगा 5000 स्क्वायर फीट इंटू 0.038 इज इक्वल टू 190 m³। ये एक रेशो है 0.038 m³ पर स्क्वायर फीट एरिया, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके हिसाब से हम एरिया से कितना कंक्रीट आता है वो निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे 1 m³ कंक्रीट के लिए जनरली सीमेंट एज पर ग्रेड एज पर मिक्स डिजाइन यूज होता है। इसके साथ एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट का रेशो वो भी एज पर मिक्स डिजाइन रहता है, फिर भी ऑन एन एवरेज 0.82 m³ टू 0.88 m³ ये पर m³ का है। 1 m³ कंक्रीट में एग्रीगेट 0.82 m³ टू 0.88 m³। अब इसमें 10 mm, 20 mm, 40 mm वो अलग अलग सब एज पर मिक्स डिजाइन होते हैं। उसके बाद है सैंड। सैंड का है 0.50 m³ टू 0.55 m³ पर 1 m³ कंक्रीट। इसमें रिवर सैंड और क्रश सैंड वो भी एज पर प्रोपोर्शन एज पर मिक्स डिजाइन उसके हिसाब से रहते हैं। थंब रूल फॉर स्टील। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर 1 m³ इज कॉन्क्रीट सब इज 1%। तो फॉर 1 m³ कॉन्क्रीट इट इज 0.01 m³। सो वेट ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, 0.01 m³ स्टील इंटू 7850, जैसे कि हम डालते हैं स्टील का ये 7850 kg/m³ डेंसिटी है, तो उस हिसाब से 1 m³ कॉन्क्रीट के लिए स्टील कितना रहता है, तो 78.50 kg। अभी हम देखेंगे थंब रूल फॉर स्टील क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम्स फुटिंग्स एंड कॉलम्स। स्टील रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज मतलब जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसके लिए 4.5 to 4.75, मतलब 4.50 से 4.75 kg/sq ft स्टील लगता है। और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 5 से 5.5 kg/sq ft स्टील लगता है। अकॉर्डिंग टू बी एन दत्ता सर रिकमेंडेशन, स्टील का जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज मेंशन किया हुआ है, जैसे हर स्ट्रक्चर का अलग अलग परसेंटेज मेंशन किया हुआ है, कॉलम बीम स्लैब फाउंडेशन। स्लैब का उन्होंने 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, बीम का उन्होंने बोला है 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, और कॉलम का है 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, और फुटिंग्स का है 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अभी जैसे कोई स्लैब है वो 50 m/40 m/0.15 m का साइज का स्लैब है, तो उसमें सबसे पहले कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है। अभी कंक्रीट का वॉल्यूम आ गया 50 × 40 × 0.15 = 300 m³। अब उसके बाद में स्टील का क्वांटिटी निकालना है एज पर फॉर्मूला। जैसे अभी हमने पिछले साइड में देखा कि बी एन दत्ता गाइडलाइंस, इसमें स्लैब का है 1%, तो अभी अपना कंक्रीट का क्वांटिटी आ गया 300 m³, तो स्लैब का है 1%, तो स्टील का वेट निकालते समय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जैसे 300 m³ है इंटू 7850, 7850 ये स्टील का डेंसिटी है, 7850 kg/m³ इंटू 0.01, जैसे 1%, तो टोटल कितना आ गया,
23,550 kg फॉर स्लैब। उसी हिसाब से बीम का निकालना है तो 300 × 7850 × 2% 0.02 उसका आ गया 47,100 kg और कॉलम का आ गया 300 × 7850 × 0.025 = 58,875 kg और स्टील वॉल्यूम स्टील वेट ऑफ फाउंडेशन आ गया 300 × 7850 × 0.008 = 18,840 kg। अभी थंब रूल फॉर आरसीसी देखेंगे। एक कुछ एक थंब रूल्स है कि वॉल्यूम के हिसाब से जैसे पर क्यूबिक मीटर कितना स्टील लगता है। अभी रूप स्लैब के लिए जनरली 80 kg पर क्यूबिक मीटर लगता है स्टील लगता है। उसके बाद बीम के लिए 120 kg पर क्यूबिक मीटर स्टील लगता है। कॉलम्स के लिए 160 to 180 kg पर क्यूबिक मीटर स्टील लगता है और फाउंडेशन के लिए 45 to 50 kg पर क्यूबिक मीटर स्टील लगता है। ये एक अजम्पशन और एक थंब रूल है, ये नहीं कि एक्यूरेट इतना ही लगेगा। वो एक्यूरेट एज पर ड्राइंग और एज पर बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से स्टील लगता है। यूनिट वेट ऑफ स्टील कैलकुलेशन करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है d² / 162। मतलब इसमें एक रनिंग मीटर में कितना केजी स्टील आता है ये हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और लेकिन ये सब हम थंब रूल्स हो गया या फिर ये जितना भी पर क्यूबिक मीटर कितना स्टील लगता है ये हो गया परसेंटेज हो गया, ये सब एक टेंटेटिव और थंब रूल के हिसाब से है। अगर आपको एक्यूरेट स्टील का मेजरमेंट निकालना है, एक्यूरेट क्वांटिटी निकालना है, तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल को ही प्रेफर करना पड़ेगा। बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी क्वांटिटी आती है वही एक्यूरेट रहती है। तो दोस्तों हमने देखा कि थंब रूल के हिसाब से स्टील का और कॉन्क्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं और एक क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट के लिए कितना स्टील लगता है, ये सब डिटेल इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे शटरिंग का थंब रूल के हिसाब से कैसे क्वांटिटी निकालते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।